हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह की मॉर्निंग बहुत प्यारी है और जानते हैं सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी चाय पी चुकी हूँ सुबह की। मेरी मॉर्निंग सुबह 6 बजे होती है आमतौर पे, और जब हम मेरे हस्बैंड छुट्टी होती है तो मैं लेट उठती हूँ 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो मैं चाय पी चुकी हूँ अपनी, तो काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रही है। नींद तो जा चुकी है। अब मैं बनाऊँगी खाना। मेरा बेटा जो है वो उठ चुका है, आज जल्दी उठ गया था और वो टीवी देख रहा है। मेरा हस्बैंड गए हैं दूध लेने, तो चलिए। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं ज़मीन पे बैठ के चाय पी रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन सुबह सुबह ना मतलब बॉडी को एकदम रिलैक्स करके बैठ के मैं ज़मीन पे चाय पीती हूँ। पता नहीं, मुझे शुरू से ही पसंद है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि पसंद और रिलैक्सेशन में जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं आज बना रही हूँ मूंग दाल। ये बिना छिलके वाली दाल है। पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद आधी कटोरी दाल लेके उसे मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसके अंदर सिर्फ नमक है और दाल। जब दाल उबल जाएगी तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। दाल बॉईल हो गई है। मूंग दाल बहुत जल्दी पक जाती है, और एक एक दूसरी दाल होती है मसूर, वो जल्दी पक जाती है। मुझे भी वो बहुत पसंद है। चलिए अब बॉईल हो गई है, अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और मिक्स कर देते हैं इसे। और इसके साथ इसको 4-5 मिनट के लिए हम मिक्स होने देते हैं, टेस्ट आने देते हैं। यहाँ तो ऑयल डाला हमने और उसमें जीरा डाला। जीरा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज मीडियम साइज़। इसे हमें ब्राउन होने तक थोड़ा सा भूनना है। ब्राउन हमारे प्याज ब्राउन हो गया। हम डालेंगे इसमें टमाटर और नरम कर लेंगे। प्याज के साथ साथ टमाटर भी पूरा भून गया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। दाल डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे और दाल रेडी हो जाएगी, ताकि दाल के अंदर तड़के का फ्लेवर आ जाए। बस 2 मिनट हल्का सा उबाल आने देना है, उसके बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब ये रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर दाल उबल गई है मेरी। अब इसमें तड़का मारना बाकी है, वही थोड़ी देर बाद मारेंगे। इस साइड अब मेरी चाय उबलनी स्टार्ट हो गई है, और उसमें मैं दूध वगैरह डाल के चाय बना लेती हूँ। मैं आज अपने हस्बैंड के लिए लंच में रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बहुत दिन से रोटियाँ लेके जा रहा हूँ, पराठे लेके जा रहा हूँ। अब मेरा पराठों से मन उग गया है, तो मुझे पराठे नहीं, मुझे रोटियाँ ही देना आज। तो आज पराठे नहीं बनाने, आज सरदर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है रोटियां ही बनानी है। मेरा बेटा गया है इधर ही पास में मेरे घर के दूसरे प्लॉट में। वहाँ पे मेरी पड़ोसन, मेरे नेबर ने जो है गाय पाल रखी है, तो जैसे हमारे घर से कुछ भी बचता है तो हम वहाँ डालाते हैं उसे। ताला नहीं खुला? ताला लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है? ताला नहीं लगा हुआ है। तो हम जाएंगे और उसे ये देकर आ जाएंगे।
मतलब घर में से कुछ भी बचता है तो हम उसे दे देते हैं, और मॉर्निंग की एक रोटी जो हम गायत्री निकालते हैं हम उसे भी इजली दे देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी वो गाय। तो ये देखिए, ये है हमारी पड़ोसन का गाय खाना, और ये है दो बच्चियाँ, दो गाय हैं, ये बच्चिया है। बड़ी गाय जो है बाहर चरने गई हुई है, और ये हम रात को कॉर्न लेकर आए थे तो वो मैंने उसके छिलके उसको दे दिए क्योंकि ये खा लेती है इसलिए। और ये रहा मेरा गंदू बेटा गंदू इसलिए, अरे वो शैतान है ये। बात बस हो गया, चलिए अब घर चलते हैं। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो सोने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा मैं आबू को पढ़ा दूँ। आबू मतलब निशांत नाम है उसको, बट मैं प्यार से आबू बोलती हूँ। तो अभी ये थोड़ा पढ़ाई कर रहा है आबू, तो अभी ये कुछ होमवर्क वगैरह कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है आप लोगों को मालूम है, तो बस वही डेली डेली बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है, क्लास वर्क मिल जाता है, तो वही काम चल रहा है। यहाँ मैंने अपना ये वाटर फाउंटेन जो मेरे घर के बाहर था वो मैंने हटा दिया है, अब मैं दूसरा नया बनाऊंगी। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था। डॉगी ने इसमें अपने दांत और नाखून मार मार के छेद कर दिया था, पानी गिरने लगा था, तो अब मैं नया बनाऊंगी एंड कोशिश करूंगी कि मैं वो आप लोगों के सामने उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूं, या फिर नहीं हो पाया अगर मैं बाय चांस भूल गई तो माफ़ कर दीजिएगा, वरना कोशिश करूंगी कि मैं इसकी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। ये मेरा शैतान, उसकी नज़र है इस पर कुछ ना कुछ करने की, बट देखते हैं, दे दूंगी उससे खेलने के लिए। चाहिए? अभी ये सो के आया है, इसका चेहरा देखिए कैसा हो रखा है। ठीक है, मैं देती हूँ अभी खेलने के लिए। आसपास का माहौल देखिए, ज़्यादातर लोग अपनी घर की छतों पर हैं और शाम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर तो डर के मारे निकलते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं छत पर हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। बच्चों को वैसे ऐसे में खेलने जाने भी नहीं देना चाहिए। शुरुआत में कोरोना के सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अब तो थोड़ा डर लगता ही है। तो बच्चों को घर के बाहर निकालना तो रिस्की मामला नहीं बल्कि बेवकूफ़ी वाला मामला हो जाता है, तो आप खुद खेलें उसके साथ, थोड़ा सा उन्हें टीवी या दूसरे इंडोर गेम्स में आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो आई होप अगर आपको हमारा आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हमारी और वीडियोस आपके साथ हम शेयर कर सकें। आई होप आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय बाय, सी यू।